एसपी से लेकर के और सिपाही तक जिनकी अवैध बालू में अगर संलिप्तता पाई जाती है तो वे हिचक सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। समय से छापामारी करके उनके ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हाईवा हो, जेसीबी हो, वो जब्ती करती है, एफआईआर करती है, नीलाम करने का प्रबंध कर दिया गया है और उससे कमाई हुई संपत्ति को भी सरकार जब्त कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने एक बार फिर से अवैध बालू खनन में संलिप्त जितने भी अधिकारी हैं और बालू माफिया हैं उनको चेता दिया है और कह दिया है कि सरकार उन पर जो भी संभव कार्रवाई होगी वो करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, पहले आप वो सुने। किया आप ही लोगों के माध्यम से समय समय से बालू अवैध खनन का मामला प्रकाश होते रहता है, प्रकाशित होता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा कि बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, वो एसपी से लेकर के और सिपाही तक जिनकी अवैध बालू में अगर संलिप्तता पाई जाती है तो वे हिचक सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कि आर्थिक अपराध के तहत संपत्ति भी उनकी जांच हो रही है और अकूत संपत्ति प्राप्त हो रही है तो जब्ती भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है, जिन लोगों ने ये बालू में अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं साफ संकेत है कि अगर उनमें सुधार नहीं होगा तो प्रशासन समय समय से छापामारी करके उनके ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हाईवा हो, जेसीबी हो, वो जब्ती करती है, एफआईआर करती है, नीलाम करने का प्रबंध कर दिया गया है और उससे कमाई हुई संपत्ति को भी सरकार जब्त कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के बावजूद भी खनन जारी है। मुझे लगता है कि कानूनता आपने कहा और उसका जवाब भी हमने दिया, अगर ऐसे खनन कर रहे हैं लोग जिसको आप अवैध कहते हैं तो सरकार चुप तो बैठी नहीं है। लगातार थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, जिला के डीएम, जिला के एसपी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है और आपकी नज़र में कहीं फिर ऐसे देखने को मिलता है तो उजागर करते रहिए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, बालू माफियाओं में डर नहीं बैठ रहा है? कार्रवाई तो हो रही है सर, डर नहीं बैठ रहा है बालू माफियाओं में? मुझे लगता है कि डर तो बैठा हुआ है, आप कह रहे हैं ना डर तो हो बैठा है कि रात में वो लोग सपना देख रहे हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि उनकी चिंता है कि अब अवैध खनन हम कर नहीं पा रहे हैं। अवैध खनन करने पे सरकार कड़ी से कड़ी अंकुश लगाई है और मुझे लगता है कि उनके अंदर ये डर दहशत है। मैं पूर्णतः फिर आपको कहना चाहता हूँ कि अवैध कारोबार करने वाले बालू संबंधित वो सावधान हो चुके हैं, अगर उनमें कहीं इस रवैये में कहीं देखने को मिलती है तो फिर उजागर कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई होती रहे। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार सरकार के मंत्री जनक राम का कहना है कि अवैध बालू खनन में जो भी सम्मिलित बालू माफिया हो या अधिकारी हो उनको सरकार बचाती नहीं है, वो एसपी हो या सिपाही हो, हर एक इंसान पर बिहार सरकार कार्रवाई करती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।